खुश उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो वीडियो की टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो वीडियो आज मैं आज आप लोगों को वीडियो में पिंपल्स के निशान और पिंपल्स को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक मास्क बनाना सिखाऊंगी। आप मास्क कह लें या फिर आप कोई भी टोटका कह लें, ठीक है, ओनली टू इंग्रेडिएंट से वो बनता है। तो कुछ लोगों को पिंपल्स इस वजह से निकलते हैं कि वो पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई हो जाती है और उन्हें पिंपल्स निकल आते हैं। कुछ लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, इस वजह से उन्हें पिंपल्स निकलते हैं। जिन्हें हार्मोन्स की वजह से पिंपल्स निकलते हैं फेस पर, वो ये टोटका ना इस्तेमाल करें, वो अपने डॉक्टर से ही रब्ता रखें, ठीक है। जो टीनएजर्स होते हैं जिन्हें पिंपल्स निकलते हैं और फिर रिमूव हो जाते हैं और निशान को पिंपल्स के निशान नज़र आ रहे हैं जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, मुझे भी यही इशू है कि पिंपल्स निकलते हैं पर चले जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना, अपनी याद छोड़ जाते हैं कोई, तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। मैं आपको जो मास्क या टोटका लगाना सिखाऊंगी वो आप अगले क्लिप में देखेंगे। आपने जस्ट उसे अप्लाई करना है, रात को सोने से पहले अपने पिंपल्स पर लगा लें और फिर सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लें। पूरे फेस पर नहीं लगाना, जस्ट आप लोगों ने अपने पिंपल्स पर लगाना है जहाँ जहाँ आप पिंपल्स निकले हैं। उससे ये होगा कि आपके पिंपल्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होकर ख़त्म हो जाएंगे और निशान भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने लेनी है हनी यानी शहद, कोई भी शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हनी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने हाफ या 1 टेबल स्पून लेनी है। आपने इस मास्क को नया रोज़ाना मत बनाना है तो आप हाफ टेबल स्पून ले लें। एक आपने हाफ लेमन लेना है, उसके बीज निकाल लेने हैं। 3 आपने कॉटन बर्ड्स लेनी है, 2 या 3 लेने आपकी मर्ज़ी है। आपने हनी के अंदर यानी शहद के अंदर आपने हाफ नींबू डाल देना है अच्छी तरह। और फिर इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। बनाना है हाफ हनी, हाफ चम्मच हनी यानी शहद और हाफ लेमन यानी नींबू, ठीक है जी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने पिंपल्स को कोई साफ़ कपड़ा ले लें या फिर आप कोई कॉटन बर्ड्स लेके अपने पिंपल्स को साफ़ कर लें। जहाँ जहाँ आपने पिंपल है आपने अपने पिंपल्स के ऊपर ये साफ़ कपड़ा या फिर कॉटन बर्ड्स जो है आपने इससे लेकर अपने पिंपल्स के ऊपर जो डस्ट होगी या कोई भी क्रीम आपने नाइट की या डे की अप्लाई की होगी तो वो ये होगा कि आपके पिंपल्स से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सब पहला स्टेप आपने ये करना है। जैसे देख सकते हैं कि मैंने अभी फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी कितनी डस्ट थी पिम्पल पर। तो सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, जो पेस्ट हमने यानी जो टोटका हमने तैयार किया है पहले, उससे आपने इसी कॉटन बर्ड की मदद से आपने डिप करके हनी और नींबू जो हमने पेस्ट तैयार किया है आपने अपने पिंपल्स पर अप्लाई करना है, जस्ट पिंपल्स पर, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स हैं या फिर आप पिंपल्स के कोई निशान रह गए हैं आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। जहाँ मुझे पिंपल्स के निशान रह गए थे ना, मैंने इसे वहाँ पे अप्लाई कर लिया है। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसे डेली अप्लाई करती हूँ जिसकी वजह से मेरे पिंपल्स के निशान बहुत ही लाइट रह चुके हैं, आप ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रोज़ जो है अप्लाई करती हूँ। पानी ना पीने की वजह से ना पिंपल्स निकलते हैं। अगर कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी हो तो वो अलग बात है, वो हार्मोन्स जिन्हें हार्मोन्स के इशू हैं उनको प्रॉब्लम है, वो ये मास्क पहले आप इसे इस्तेमाल करें। सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लें, पूरे फेस पर नहीं अप्लाई करना आपने, आपने जस्ट आप जहाँ जहाँ आपको पिंपल के निशान हैं आपने वहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। अगले क्लिप की तरफ
मैं इसी टोटके को रोज अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे तो ये जो पिंपल्स हैं बहुत ही लाइट हो चुके हैं, तो बहुत ही कमाल के जाने वाले हैं, रुखसत होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।